गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय फार्माकोलॉजी चैनल। तो आज से हम आपका एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, वो है फार्माकोलॉजी। तो ये INC सिलेबस के बेस्ड पे फार्माकोलॉजी जो यूनिट्स डिवाइडेड है वो हम आपका डेली डील करेंगे। तो फार्माकोलॉजी क्या है, ये एक स्टडी है रिगार्डिंग दी ड्रग्स। तो जो आप ड्रग्स मेडिसिन जो डेली यूज़ में आप लेते होंगे या फिर आपके घर वाले जो लेते होंगे, तो उसके लिए जो डिटेल्स हम पढ़ते हैं वो है आपका फार्माकोलॉजी। तो इसमें आप पढ़ोगे इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, इंडिकेशंस मतलब किसको देने चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस किसको नहीं देना चाहिए, कौन से रूट्स में देना है, IM में, ओरल में या फिर अदर रूट्स के थ्रू किस वे में ड्रग्स देना है, कितने डोज में देना है, कौन से टाइम पे देना है या फिर कौन से पर्संस को देना है, ये सारे चीज़ के बारे में जब हम जो हम पढ़ेंगे वो है पूरा जो है फार्माकोलॉजी के अंदर आता है। तो फर्स्ट आज है हम लोग फर्स्ट यूनिट डील करेंगे वो है आपका इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। तो आपके INC सिलेबस में इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी में कुछ पॉइंट्स हैं, उसके अंदर डेफिनेशंस, सोर्सेस, क्लासिफिकेशंस, फार्माकोडायनामिक्स, एडवर्स इफेक्ट्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, रूट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, इंडियन फार्माकोपिया, रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स, प्रिंसिपल्स ऑफ थेरापेटिक्स। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपके इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी के अंदर आते हैं, जो कि हम डेली हाफ ऑफ डील करेंगे। तो आज हम डेफिनेशंस और सोर्सेस के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आपका डेफिनेशंस, फर्स्ट, फार्माकोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इंटरेक्शन विद द लिविंग सिस्टम। तो फार्माकोलॉजी क्या है, फार्मा का मतलब ये है फार्माकोन, या फिर फार्मा का मतलब ड्रग होता है, लॉजी का मतलब स्टडी, दैट इज़ लोगोस मीन्स स्टडी। तो एक ड्रग के बारे में जब आप स्टडी करते हो उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजी। तो ये एक साइंस है जिसमें आपको मेडिसिंस, जो भी आप ड्रग्स डेली यूज़ कर रहे हो या फिर घर में जो भी यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में जब आप स्टडी करते हो तो वो भी एक साइंस है। और इसका इंट्रैक्शन विद लिविंग सिस्टम, लिविंग सिस्टम मतलब जो सरवाइव कर रहे हैं, अलाइव है मतलब ह्यूमंस, तो वो ड्रग्स लिविंग सिस्टम को कैसे अफेक्ट कर रहा है, तो ये पूरे स्टडी को क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी। मीन स्टडिंग द ड्रग्स डीपली विच एंड देयर इंट्रैक्शन विद द लिविंग सिस्टम, ड्रग के बारे में डीपली पढ़ना, फिर उसका जो ड्रग्स का जो इफेक्टिवनेस ह्यूमन बींग्स में कैसे इफेक्ट करता है उसके बारे में जब आप स्टडी करते हो उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजी। द वर्ड फार्माकोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट इज फार्माकोन मीन्स ड्रग एंड लोगोस मीन्स स्टडी। तो फार्माकोन मतलब है ड्रग, दैट इज़ फार्मा मतलब ड्रग है, लॉजी और लोगोस मीन्स स्टडी। तो ड्रग्स के बारे में जो स्टडी करते हो उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजी। सो फर्स्ट इज ड्रग डेफिनेशन, ड्रग इज़ अ सब्सटेंस यूज्ड इन द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। तो ड्रग क्या है, ड्रग या फिर आप मेडिसिन भी बोल सकते हो, तो नॉर्मल वे में है आप मेडिसिन बोलते हो, लेकिन फार्माकोलॉजी जब एक बार आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपको मेडिसिन नहीं ड्रग ही बोलना है। तो ड्रग एक सब्सटेंस, एक चीज़ है जो कि डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। डायग्नोसिस का मतलब कोई भी बीमारी को जब हमको पता करना है तो उस टाइम पे भी कुछ मेडिसिन यूज़ होते हैं, तो वो है डायग्नोसिस। तो उसको पता करने के लिए कौन से बीमारी हुआ है पर्सन को, तो उसको पता करने के लिए जब आप ड्रग यूज़ करते हो तो वो भी यूज़फुल है। नेक्स्ट प्रिवेंशन, प्रिवेंशन मतलब अगर पर्सन को बीमारी हो चुका है या फिर नहीं हुआ है तो उसको कैसे बचाना है। एस ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट मीन्स अगर पर्सन को बीमारी आ चुका है तो उसको कैसे आप ट्रीट करते हो, मतलब पर्सन को कैसे पहले के तरह नॉर्मल स्टेज में लाओगे। तो उसको ये सारे चीज़, डायग्नोसिस कोई बीमारी को पता करने के लिए, या फिर कोई बीमारी को आने से बचाने के लिए, या फिर बीमारी आ चुका है तो उसको क्योर करने के लिए जब कोई आप ड्रग यूज़ करते हो उसको बोलते हैं ड्रग या फिर मेडिसिन। फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स, दैट इज़ व्हाट द बॉडी डज द ड्रग। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है,
फार्माकोकाइनेटिक्स एक फार्माकोकाइनेटिक्स जो है ये एक स्टडी है जिसमें आप एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ोगे, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये चार प्रोसेस के बारे में पढ़ोगे। तो जब आप कोई पर्सन ड्रग्स लेता है, ठीक है, तो जो भी पर्सन ड्रग्स लेते हैं फर्स्ट क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब ये ओरली जब आप देते हो या फिर अदर रूट के थ्रू जब आप देते हो तो ये क्या है, फर्स्टली बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मीन्स अदर ऑर्गन्स में, ब्लड्स में, टिश्यूज में, फ्लूड्स में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब वो क्या है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी में, केमिकल जो बॉडी में जो केमिकल्स प्रेजेंट रहता है वो उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स, फिर कौन से रूट के थ्रू ये एक्सक्रीट होगा, जैसे कि यूरिन के थ्रू या फिर फीकल के थ्रू जो ड्रग्स एक्सक्रीट हो रहा है उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो ये चार प्रोसेस के बारे में जब आप पढ़ोगे कोई ड्रग के अंदर, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, कैसे एब्जॉर्ब होता है, कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे मेटाबॉलाइजेशन होता है और किस वे के थ्रू ये बॉडी से एक्सक्रीट होता है, जैसे यूरिन हो गया, फीकल के थ्रू या फिर स्टूल के थ्रू जो एक्सक्रीट होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, दैट इज व्हाट द बॉडी डज द ड्रग, मतलब अपना बॉडी कोई ड्रग को कैसे क्या करता है, जब आप ड्रग लेते हो तो अपना बॉडी उसके अगेंस्ट कैसे रिएक्ट करता है उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द बॉडी एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो फार्माकोडायनेमिक्स क्या है, ये ड्रग्स जो है आपके बॉडी पे कैसे इफेक्ट करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या था, बॉडी ड्रग को क्या कर रहा था, जब एक बार ड्रग आपके बॉडी में आया तो बॉडी कैसे रेस्पॉन्स कर रहा है, वो है आपका फार्माकोकाइनेटिक्स। और फार्माकोडायनेमिक्स मतलब जो ड्रग आप पर्सन ले रहा है तो वो ड्रग पर्सन के बॉडी को कैसे इफेक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। नेक्स्ट इज थेराप्यूटिक्स। थेराप्यूटिक्स डील्स विद द यूज ऑफ ड्रग्स इन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। थेराप्यूटिक्स जो है डील्स विद द यूज ऑफ ड्रग्स इन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। थेराप्यूटिक का मतलब है जो ड्रग्स आप ले रहे हो कोई पर्सन को बचाने के लिए, कोई भी बीमारी से बचाने के लिए या फिर उनको बीमारी हो गया है तो वहाँ से क्योर करने के लिए, उस प्रोसेस को बोलते हैं थेराप्यूटिक। नेक्स्ट डेफिनेशन इज टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी डील्स विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड ऑल्सो द स्टडी ऑफ पॉइजन, दैट इज डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। तो टॉक्सिकोलॉजी जो है कोई भी ड्रग, बहुत सारे आपको पता होगा बहुत सारे ड्रग्स जो है वो पॉइजनस भी हो सकते हैं, तो उस स्टडी को बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। कोई भी ड्रग के पॉइजनस के बारे में जब हम डीपली पढ़ते हैं तो या फिर डिटेक्ट करते हैं या फिर उसको प्रिवेंट करना, ट्रीटमेंट करना, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी इज़ द यूज़ ऑफ केमिकल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस। तो कोई भी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जब कोई ड्रग्स यूज़ करते हैं जो कि आगे के यूनिट्स में हम पढ़ेंगे, तो उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। और ये जो कीमोथेरेपी है मैलिग्नेंसी ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है, मतलब कैंसर वाले पर्सनस को भी दिए जाते हैं। फार्मेसी। नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ फार्मेसी। फार्मेसी इज़ द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स। तो फार्मेसी क्या है, ये एक साइंस है जिसमें ड्रग को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब ये किस चीज़ के लिए दिया जाता है, इसमें क्या क्या कंटेंट्स है, क्या यूज़फुल है, क्या एडवर्स इफेक्ट है, ये है आपका आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब होता है ये बहुत सारे उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिक्स है, उसमें क्या क्या कंटेंट्स प्रेजेंट है एक मेडिसिन में, तो वो है आपका कंपाउंडिंग। डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग का मतलब होता है ड्रग को कुछ कुछ ड्रग्स जो है वो डिसॉल्व वे में देना है, कुछ कुछ ड्रग्स मिक्सअप में देना है, तो उसको क्या है मिक्स करके या फिर प्रिपेयर करके दूसरे जब पेशेंट को आप देते हो, दैट इज़ नोन एज डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स। तो ये एक साइंस है जिसमें आप आइडेंटिफाई करोगे, प्लस आपको पता रहना है कि उसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं और उसके बाद वो किस वे में, कौन से में फॉर्म में उसको डिसॉल्व या फिर मिक्स करके जब पर्सन को देना है,
दैट इज फार्मेसी. इट ऑल्सो इंक्लूड्स कलेक्शन, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, सिंथेसिस एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेडिकल सब्सटेंसेस. तो फार्मेसी क्या है? ये कलेक्शन है, ठीक है, ये कलेक्शन है. ये आइसोलेशन अलग से बोला जाता है ना, इसको ड्राई में रखना या फिर कूल में रखना, डार्कनेस में रखना, तो वो है आइसोलेशन, अलग से आइसोलेट करके रखना. प्यूरिफिकेशन हमेशा वो क्या है, डर्ट से प्यूरीफाई रहना है. सिंथेसिस तो ये नॉर्मली क्या है, सिंथेसिस प्रोसेस में रहना है. सिंथेसिस का मतलब होता है टू दूसरे दूसरे एलिमेंट्स को मिला के जब आप एक अलग न्यू कंपाउंड बनाते हैं उसको बोलते हैं सिंथेसिस. नेक्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब पूरे ओवरऑल जो है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग कन्फर्म, मतलब वो ड्रग के बारे में अच्छे से स्टडी करके आप एक कन्फर्म स्टेटमेंट में जब आप आते हो कि ये ड्रग इस चीज़ के लिए ठीक है या फिर कोई बीमारी के लिए ठीक है, दैट इज़ वॉट वी कॉल अ स्टैंडर्डाइजेशन. सो फार्मेसी इज दैट कलेक्शन, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, सिंथेसिस एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेडिकल सब्सटेंस. तो ये है आपके डेफिनेशंस है आपके फार्माकोलॉजी के अंदर. नेक्स्ट हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ ड्रग्स. तो सोर्सेस का मतलब सोर्स, कहाँ से आपको ड्रग्स पाए जा सकते हैं, कौन से वेज हैं या फिर कौन से टेक्निक्स हैं जिससे आपको ड्रग्स मिल सकते हैं. तो जब फर्स्ट है आपका नेचुरल सोर्स, नेचुरल सोर्स में फर्स्ट है प्लांट्स. तो प्लांट्स के एक्स्ट्रा पेड़ पौधे, तो यहाँ से क्या है आपको बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स लीव्स के थ्रू, किसी के फ्लावर्स का, किसी का ट्री, ये सब क्या है प्लांट्स के थ्रू जो भी कुछ मेडिसिनल चीज़ आपको मिलते हैं वो है प्लांट. जैसे एग्जाम्पल हो गया एट्रोपिन, मॉर्फिन, क्विनाइन, डिगोक्सिन, पिलोकार्पाइन, फिसोस्टिग्मा. तो ये सारे ड्रग्स जो है वो प्लांट्स से पाए जाते हैं, कोई लीव से पाए जाएंगे, कुछ फ्लावर से, सीड से, या फिर अलग जितने भी प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट्स हैं उससे पाए जाते हैं. नेक्स्ट सोर्सेस एनिमल्स, दैट इज़ इंसुलिन, हेपरिन, गोनाडोट्रोपिन्स एंड एंटीटॉक्सिक सेल. तो एनिमल्स, जानवरों से भी कुछ कुछ मेडिसिंस बनते हैं, जैसे कि इंसुलिन हो गया, हेपरिन हो गया, गोनाडोट्रोपिन्स एंड एंटीटॉक्सिक सेल. नेक्स्ट मिनरल्स, मिनरल्स आपको पता है जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सल्फर, तो ये सारे से भी ड्रग्स बनते हैं. नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, फंगस, तो ये भी कभी कभी एंटी बैक्टीरिया जैसे ही काम करते हैं. दैट इज एंटी बैक्टीरियल एजेंट सच एज दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, फंगाई, जैसे पेनिसिलिन हो गया, सेफालोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन एंड अदर एंटीबायोटिक्स. तो जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं, पेनिसिलिन है, सेफालोस्पोरिन है, ये सारे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम जैसे बैक्टीरिया के एक्सट्रैक्ट, फंगाई के एक्सट्रैक्ट से बनते हैं. नेक्स्ट स्टोर सोर्स इज ह्यूमन. सम ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैन, एग्जाम्पल इम्यूनोग्लोब्यूलिन फ्रॉम ब्लड, ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी एंड कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन फ्रॉम द यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन. तो जैसे कि ह्यूमन्स भी हैं, ह्यूमन भी एक सोर्स है जहाँ से आपको ड्रग्स पाए जा सकते हैं. जैसे कि ब्लड से आप इम्यूनोग्लोब्यूलिन ले सकते हो, एंटीरियर पिट्यूटरी से आप ग्रोथ हार्मोन डिराइव कर सकते हो, या फिर कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो है वो आप प्रेग्नेंट मदर की यूरिन से आप डिराइव कर सकते हो. तो सो ह्यूमन इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ ड्रग. नेक्स्ट इज सिंथेटिक. सिंथेटिक का मतलब होता है सिंथेसाइज, अदर एलिमेंट्री, अदर इंग्रेडिएंट्स या फिर अदर केमिकल्स से जब आप एक प्रोडक्ट बनाते हो या फिर मेडिसिन बनाते हो, उसको एक न्यू फॉर्म में आप मेडिसिन लेके आते हो, अदर अदर इंग्रेडिएंट्स सबको मिक्स करके, तो उसको बोलते हैं सिंथेटिक. मोस्ट ड्रग्स आर नाउ सिंथेसाइज्ड. तो बहुत सारे ड्रग्स अभी सिंथेसाइज फॉर्म में बनाए जाते हैं, जैसे बहुत सारे केमिकल्स मिक्स करके, बहुत सारे एक्सट्रैक्ट्स मिक्स करके एक न्यू कंपाउंड बनाना, उसको बोलते हैं सिंथेटिक. तो जो उसके अंदर आएगा आपका क्विनोलोन्स, ओमिप्रेजोल, सल्फोनामाइड्स, पैंक्यूरोनियम, नियोस्टिग्माइन, तो ये सारे ड्रग्स हैं आपके सिंथेटिक के अंदर आएंगे. मेनी ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल कल्चर, दैट इज यूरोकाइनेज फ्रॉम कल्चर्ड किडनी सेल्स. तो जैसे बहुत सारे सेल्स से भी आप ड्रग्स ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे कि किडनी के सेल्स से आपको यूरोकाइनेज भी मिल सकता है. सम आर नाउ प्रोड्यूस्ड बाई रिकम्बिनेट DNA टेक्नोलॉजी, एग्जाम्पल ह्यूमन इंसुलिन, टिश्यू प्लास्मोजेन एक्टिवेटर एंड सम अदर ड्रग्स बाई हाइब्रिडोमा टेक्निक. तो जैसे कि कुछ
ड्रग्स जो है आप डीएनए पर्सन का जो डीएनए है रिकम्बिनेंट डीएनए, तो यहाँ से आप जैसे ह्यूमन इंसुलिन हो गया, टिश्यू पाय प्लास्मोजन हो गया, ये सारे जो है ड्रग्स के लिए आप ड्रग्स बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर दी सोर्सेज, दैट इज़ प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन्स एंड सिंथेटिक्स। सो दीज ऑल आर दी सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।